जमानत मिलने वाली थी। अरे अभी तो आप लंबे जेल जाने वाले हो, याददाश्त भी भूलने वाले हो, ऐसे ये कहते थे ना वो सतेंद्र जैन के लिए, याददाश्त भूल गए। अभी कुछ टाइम बाद ये कहेंगे मैं याददाश्त भूल गया हूँ। वो 17 मोबाइल जो आपके चेलों ने तोड़े, आपने तोड़े, उसका हिसाब देना पड़ेगा। उन मोबाइलों में क्या था, उस लैपटॉप में क्या था जिसका आपने डाटा डिलीट किया, उसका हिसाब देना पड़ेगा। सब सीबीआई ने रिकवर कर लिया है, ईडी ने जेल कर दी ना, अभी आपको सारा जवाब देना पड़ेगा। क्या था उस डाटा में, क्यों मोबाइल तोड़े, इसलिए सारा सवाल देना पड़ेगा। जो ईडी ने उनके अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 19 सब सेक्शन में केस रजिस्टर किया है, अब उनका जल्दी बाहर आना मुमकिन नहीं, क्योंकि सत्येंद्र जैन 9 महीने में इसी पीएमएलए एक्ट के चलते बाहर नहीं आ पाए, तो ये अब कहां से आएंगे मनीष सिसोदिया। और ये बात केजरीवाल अच्छे से जानता है, क्योंकि इन सारे मोहरों की जो असली धागा है वो जिसके हाथ में है, ये सारे पपेट्स का जो रिंग मास्टर है, इस सर्कस का जो रिंग मास्टर है वो अरविंद केजरीवाल है। जेल से देश के लिए पत्र लिखा है मनीष सिसोदिया को, जो जेल गए हैं अभी तो उन्होंने पत्र लिखा है, जेल से पत्र लिखा है। अभी वो ऐसा प्रोपेगेंडा एजेंट, आपको कानून में विश्वास है कि नहीं, आप कहते हैं आपको कानून के तहत, आप दिखाइए ना, आप लीजिए ना बेल, क्यों आपकी बेल नहीं हो पा रही, आपने लगातार भ्रष्टाचार मचाया है। आपको कानून और संविधान को भी मानना पड़ेगा, और अभी तो ये छोटी मछली है, बड़ी मछली भी जेल जाने बाकी है, इसलिए व्याकुलता हो रखी है। लगातार जो भ्रष्टाचार मचाया, शराब पॉलिसी लाकर जो इनके विधायकों ने, जो इनके लोगों ने लगातार जो भ्रष्टाचार मचाया, जो 144 करोड़ रुपए जो तुमने माफ किए ना पंजाब से, उसका हिसाब देना पड़ेगा। जो 2% से 12% कमीशन की ना, उसका हिसाब देना पड़ेगा। ब्लैकलिस्टेड कंपनी के 30,000 करोड़ रुपए जो अपने मित्र के माफ किए ना, उनको वापस दिलाए, वो हिसाब देना पड़ेगा। ये तो छोटी मछली है, अभी तो बड़ी झांकी बाकी है, ये अभी छोटी झांकी है, बड़ी झांकी भी बाकी है। गिरफ्तार इसीलिए किया है क्योंकि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने वाली थी, आज को जमानत मिलने वाली थी। अरे अभी तो आप लंबे जेल जाने वाले हो, याददाश्त भी भूलने वाले हो, ऐसे ये कहते थे ना वो सतेंद्र जैन के लिए, याददाश्त भूल गए। अभी कुछ टाइम बाद ये कहेंगे मैं याददाश्त भूल गया हूँ। वो 17 मोबाइल जो आपके चेलों ने तोड़े, आपने तोड़े, उसका हिसाब देना पड़ेगा। उन मोबाइलों में क्या था, उस लैपटॉप में क्या था जिसका आपने डाटा डिलीट किया, उसका हिसाब देना पड़ेगा। सब सीबीआई ने रिकवर कर लिया है, ईडी ने जेल कर दी ना, अभी आपको सारा जवाब देना पड़ेगा। क्या था उस डाटा में, क्यों मोबाइल तोड़े, इसलिए सारा सवाल देना पड़ेगा। जमानत, अभी लंबे जेल जाने वाले हो, और अभी तो गुरु चेले, ये तो चेला है, चेला चेला, गुरु भी जेल जाएगा, गुरु भी जेल जाने वाला है, इसलिए घबराहट है, घबराहट बन हो गया कि गुरु को एक डर लग रहा है कि कहीं अब मेरी भी बारी। टिकड़ी चौकड़ी बनाना, शराब पीना भाई, एक बोतल पर एक बोतल फ्री थी ना, जेल में जाकर शराब पीना और खूब शराब पीना। को लगातार जब मैं स्कूल गया तो पता चला अभिभावकों को दबाव, उनके अधिकारियों के माध्यम से अभिभावकों पर दबाव डलवाया जा रहा है, बच्चों से लिखाया जा रहा है, लेकिन जब बच्चे बाहर स्कूल से निकले, स्वतंत्र हुए, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनके स्कूल के सामने शराब के ठेके खोले गए, और जब वो उस रास्तों से निकलते हैं तो किस प्रकार उनको प्रताड़ित किया जाता है शराबियों के द्वारा। लगातार ये दिल्ली प्रदेशवासी रोष में है, जिस प्रकार उन्होंने लगातार शराब के ठेके खोले, एक ठेका फिर दूसरा ठेका, हर 15 मिनट बाद ठेका, और हर मंदिर के बाहर ठेका, हर शराब मस्जिद के बाहर ठेका, हर स्कूल के बाहर ठेका। आपने दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहा, लेकिन ये भाजपा का प्रत्येक देवतुल्य कार्यकर्ता है, लगातार संघर्ष प्रदर्शन किया, और आपको ये पॉलिसी वापस लेनी, और आपको जेल जाना पड़ेगा। अभी तो गुरु साहब केजरीवाल, आपको जवाब देना पड़ेगा। और इतिहास में भी पहली बार हुआ है कि जो शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री है, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की मांग यही है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को तो गिरफ्तार करा दिया, अभी जो इनका सरगना है, मतलब चोर की जो माता है केजरीवाल, तो चोर को मारे उससे पहले उसकी माँ को मारे, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी और ये मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घरों में नहीं बैठेगा, इसी प्रकार सड़क पर संघर्ष चलता ही रहेगा। आपका कहना है दिल्ली का काम रुकवाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मोदी जी का तो कोई तोड़ ही नहीं है, पूरे विश्व में जो विश्व विख्यात नेता हैं, जो विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का,
जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा के अपने स्टूडेंटों को भारत में लौटा सकते हैं। तो केजरीवाल तो कीचड़ उछाड़ेगा, वहाँ तो कीचड़ है उसके पास, लेकिन कमल कीचड़ में भी खिलेगा ही खिलेगा। मांग तो ये है कि जितने इस दिल्ली सरकार के कुकर्म हैं, चाहे DTC का घोटाला, चाहे बिजली सब्सिडी का घोटाला, शराब नीति का घोटाला, हम तो चाहते हैं ये सरकार अपनी बर्खास्त, अपना इस्तीफा दे राष्ट्रपति को और अपने हाथ खड़े कर दे और कह दे कि भाई हम तो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, जो हमसे मिटा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार इतने ऊपर स्तर तक पहुंचा दिया और दिल्ली का हर नागरिक त्रस्त है। जैसे कि कोई भी प्रदेश होता है उसकी नदियां समुंदर में मिलती हैं, ऐसे ही केजरीवाल इस दिल्ली सरकार का समुंदर है। इसका हर मंत्री भ्रष्टाचार रूपी नदी केजरीवाल जैसे समुंदर में जाके मिल रही है। और जो आज कह रहा है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मेरे पास डिपार्टमेंट नहीं है, इसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मनीष सिसोदिया ने जेल से पत्र, देखिएगा मनीष सिसोदिया ने तो जेल जाने से पहले भी अरविंद केजरीवाल की सपोर्ट में पत्र लिखा था और उसमें क्लियरली लिखा था कि अरविंद जी ये आपको फंसाने का सारा षड्यंत्र है। और आपके दर्शक जानते होंगे कि उस पत्र पे डेट नहीं थी, यानी ये पहले से प्री ड्राफ्टेड था, डिसाइडेड था। अब उन्होंने दूसरा पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जेल पॉलिटिक्स वर्सेस एजुकेशन पॉलिटिक्स, लेकिन वो ये नरेटिव सेट करना चाहते हैं कि एक शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, ड्रेडेड क्रिमिनल्स के साथ रखा हुआ है, जान को खतरा है। लेकिन ये सब गलत नैरेटिव है, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि जो जेल मंत्रालय है वो भी दिल्ली सरकार के अंदर है और जो तिहार है वो भी दिल्ली सरकार के अंदर है। तो ये उनकी मर्जी है कि वो कहां रखें इनको। लेकिन इल्जाम बेमतलब में बीजेपी पे, मोदी पे, ये सब करने का जो उनका एक सोच है, हमेशा वो विक्टिम कार्ड प्ले करने का प्रयास करते हैं, खुद कुछ कालाकांडी करते हैं, लेकिन सामने से इल्जाम हमेशा दूसरे के ऊपर डालते हैं। CBI के पास जा रहे हो तो उनको लाम लश्कर के साथ जाना है, राजघाट होके जाना है, रंग दे बसंती चोला करना है, उसके बाद मेरी माँ बीमार, मेरी बीवी ऐसी, मेरा बच्चा बाहर, ये सब जो वो एक सिंपथी लेने का गेम प्लान करते हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि इस समय देश का नेतृत्व 56 इंच का सीना कर रहा है और एक पॉलिटिकल विल पावर है जिसके चलते इस देश से भ्रष्टाचार मिट के रहेगा। ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी के ऊपर CBI ने 3 केस दर्ज किए हैं 3 धाराओं में, जिसमें से 120, 470 और उसके बाद 164 में तो मजिस्ट्रेट के सामने गवाही देने का। और अब जो ED ने उनके अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 19 सब सेक्शन में केस रजिस्टर किया है, अब उनका जल्दी बाहर आना मुमकिन नहीं, क्योंकि सत्येंद्र जैन 9 महीने में इसी PMLA एक्ट के चलते बाहर नहीं आ पाए। तो ये अब कहां से आएंगे मनीष सिसोदिया, और ये बात केजरीवाल अच्छे से जानता है, क्योंकि इन सारे मोहरों की जो असली धागा है वो जिसके हाथ में है, ये सारे पपेट्स का जो रिंग मास्टर है, इस सर्कस का जो रिंग मास्टर है वो अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि वो जानते हैं कि भैया अपने पास कोई भी पोर्टफोलियो ना रखते हुए वो खुद को बचा के चलना चाह रहे हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल के जरिए अब जो 100-100 करोड़ के घोटाले के ऊपर जो पेशी आ रही है, जो गवाही आ रही है, जो उनका नाम सामने आ रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि अब तक जो देखी था वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरी जान। अरविंद केजरीवाल जल्दी ही अपने साथियों को कंपनी देने के लिए तिहाड़ में पहुंचेंगे और जेल में ही इनके आगे की सारी प्लानिंग होगी, इसमें हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। साथ-साथ पार्टियों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मोदी जी जो है वो विपक्ष की आवाज बंद कर रहे हैं। देखिए मोदी जी किसी की विपक्ष की आवाज नहीं बनते, इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी स्वतंत्रता है, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि आवाज़ नहीं दबा सकता। आज आपने देखा होगा कि महीनों महीनों तक किसानों का आंदोलन चलता रहा, महीनों महीनों तक शाहीन बाग का आंदोलन चलता रहा, ये किसी दूसरे देश में ऐसा संभव नहीं है, ये मोदी जी के राज में ही संभव है। सब लोगों को कहने की आज़ादी है, सब लोगों को बोलने की आज़ादी है। जो लोग बहानेबाजी कर करके, जो लोग कहते थे कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, लोकपाल बिल के बारे में बात करते थे, उनके पास कुछ नहीं है। शुरू से ही वो एक जगह पर टिकने वाले व्यक्ति नहीं है, एक जगह थोड़ी दिन के लिए नहीं टिकते, न वो अपनी बातों पर टिकते हैं, चाहे बिजली आंदोलन से बात कर लो, चाहे किसी भी। आज
भूखे नंगे लोगों को जो है सो परेशान कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी का हमेशा से बहाना है, किस मुंह से वो राजघाट पे जाकर गांधी जी की बात करते हैं जब दिल्ली की जनता को पूरे नशे में डुबो देते हैं, और गांधी की आप परिभाषा की बात करते हैं, गांधी जी की जो पृष्ठभूमि उसकी बात करते हो।